लंबे समय तो बाद मीडिया सामने आए नवजोत सिद्धू ने केंद्र सरकार के तीन खेती कानूनों के खिलाफ जम के पड़ास कढ़ी है। लगभग डेढ़ साल बाद पटियाला पत्रकार सम्मेलन करते हुए सिद्धू ने केंद्र कानूनों काले कानून दसते हुए आख्या कि इस सरकार की माड़ी मंशा जाहिर होती है। सिद्धू ने कहा कि इंज जाप रहा है एक वड्डी साजिश के तहत ये कानून लियांदे गए हैं। फूड सिक्योरिटी ते एग्रीकल्चर की गल करते हुए सिद्धू ने कहा कि देश का मुढ़ बनने लिए सब तो लाजमी है। FCI इस खेड का वड्डा हिस्सा है। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया किसान और गरीब व्यक्तियों की जीवन शैली है। इस सरकार की ग्रांट और मदद के नाल चलती है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार के समय जो पैसा फंड लिए दिता जाता है उस नालों वध खर्च करते सन। इस विच MSP खरीद स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट आते हैं। देश के 80 करोड़ लोगों को PDS सप्लाई करना भी इसके हिस्से आता है। उन्होंने कहा कि FCI को जानबूझ के खत्म किया जा रहा है जिसन देश के दो वड्डे घरों को देने की कोशिश जारी है। साडा देश भुखमरी 94 स्थान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि अज तुसीं मीडिया का हाल भी देख सकते हो क्योंकि जिस मीडिया की किसी समय तूती बोलती सी उसनों अज सारे लोग माड़ी आख रहे हैं। नवजोत सिद्धू ने अंबानी अडानी को लेकर भी सरकार से कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सारे इकट्ठे मिले हुए हैं। अडानी ने बहुत सारा समान स्टोर करके रखा हुआ है, इसलिए उन्होंने अगे बंदे रखे हुए हैं। नोट पैन से स्टोर किए समान वो कई गुणा वध कीमत से वेच देंगे ने। सिद्धू ने कहा कि उसने बहुत सारिया गल् बंद कमरे में की हैं पर हुण वह खुले विच अते सब के सामने गल् करनगे। चोणां विच खर्चे जाने वाले पैसे की गल करते हुए उन्होंने कहा कि चोणां विच हरेक व्यक्ति वालों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। उन्होंने 5 चोणों में 47 लाख रुपए खर्च किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ एकम TV।